नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत जो है आपके हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका प्यारे विद्यार्थियों प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम महत्वपूर्ण पदों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य और भाषा हिंदी भाषा व साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आपका जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को हमें देख रहे हैं। तो आज का जो प्रश्न है, विगत वीडियो में हमने प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के इतिहास का जो अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने किस प्रकार से नामकरण किया था उस संदर्भ में हमने जानकारी ली थी विगत वीडियो में। आज हम सबसे पहला जो काल है आदिकाल उससे संबंधित प्रश्न हम लेकर के हाजिर हैं, महत्वपूर्ण है बहुत ही। देखिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण विषय विभिन्न मतों का क्या देना है परिचय देते हुए उनकी समीक्षा कीजिए। ये जो प्रश्न है प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार से भी परीक्षा में आ सकता है, या फिर ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल के नाम की समीक्षा कीजिए, या फिर इसको इस प्रकार से भी पूछ सकते हैं कि वीर गाथा काल का नामकरण पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण के विषय में विभिन्न मत जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, क्योंकि आदिकाल है वो प्रारंभ से ही जो है विद्वानों में मतभेद का विषय रहा है, तो इसके नामकरण को लेकर के तो विभिन्न मतों का परिचय देना है और उनकी समीक्षा करनी है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम देखते हैं भूमिका के रूप में, पहले पढ़ते हैं हम यहाँ से कि निश्चय ही आदिकाल हिंदी साहित्य का सर्वाधिक विवादास्पद युग रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, हम ये निश्चय तौर से हम कह सकते हैं कि आदिकाल जो हिंदी साहित्य का पहला काल है इतिहास का, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला काल आदिकाल यानी प्रारंभिक, आदि माने शुरू प्रारंभ, तो हिंदी साहित्य का ये सर्वाधिक विवादास्पद युग रहा है यानी इसमें विवाद रहा है, और इसके नामकरण को लेकर के विद्वानों में भी मतभेद है। अलग अलग विद्वान हैं अपने अपने शोध के अनुसार इनका अलग अलग नामकरण देते हैं, तो इसके नामकरण को लेकर के विद्वानों में क्या है मतभेद रहा है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई, ये विवादास्पद युग है और नामकरण को लेकर विद्वानों ने मतभेद रहा है। इस कारण से उन्होंने यानी उन्होंने किन्होंने विद्वानों ने क्या किया है, अलग अलग दृष्टियों से इस काल के नाम वो सुझाए हैं, अलग अलग दृष्टियों से, क्योंकि सब विद्वानों के अलग अलग मत है वो है इस संदर्भ में, तो इस काल को लेकर अपने अलग अलग नाम सुझाए हैं। उनमें से बहुत सारे विद्वानों ने नाम दिए हैं, लेकिन जो प्रमुख विद्वान हैं उनके द्वारा जो सुझाए गए जो नाम है मत है निम्नलिखित जो नाम है वो इस प्रकार से हैं, जो विभिन्न जो प्रमुख विद्वान हैं उन्हीं के नाम हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहले नाम आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया था, विगत वीडियो में हमने पढ़ा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीर गाथा काल है वो कहा है। दूसरी बात, दूसरे जो विद्वान है वो है पंडित राहुल शंकरत्यायन जी। तो पंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने इनका नाम आदिकाल का नाम रखा सिद्ध सामंत काल। प्यारे विद्यार्थियों, आदिकाल का नाम क्या दिया पंडित राहुल शंकरत्यायन जी ने, सिद्ध सामंत काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल, राहुल शंकरत्यायन ने सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इन्होंने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया। आगे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी और इन्होंने जो है आदिकाल का नाम क्या रखा, प्रारंभिक काल। ठीक है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल नाम दिया, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने जो है कल विगत वीडियो में हमने पढ़ा भी था इनके बारे में, इनके कौन कौन से मत है नामकरण के विषय में, राम कुमार वर्मा जी का भी देखा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी देखा था। तो इस प्रकार से ये चारण काल इन्होंने कहा है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल नाम है वो दिया है। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत महत्वपूर्ण बात है यहाँ तक की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दिया, वीरगाथा काल नाम दिया, राहुल शंकरत्यायन जी ने क्या नाम दिया, सिद्ध सामंत काल, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनको आदिकाल कहा, और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने चारण काल नाम दिया।
तो ये नामकरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, सबसे पहले हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और उनके वीर गाथा काल से संबंधित समीक्षा करते हैं, देखते हैं क्या उन्होंने। तो अब हम देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और वीर गाथा काल। देखिए, शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा था, ये हमने विगत वीडियो में भी पढ़ा था। तो देखिए, शुक्ल जी ने इसका नाम क्या रखा? वीर गाथा काल रखा। उनके मतानुसार संवत 1050 से 1375 विक्रमी की जो अवधि थी, इसमें जितना भी साहित्य रचा गया उसमें अधिकांशतया वीरता व शौर्य का ही प्राबल्य रहा। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथा काल नामकरण किया और उनके मत के अनुसार, यानी शुक्ल जी का जो मत था उनके अनुसार 1050 से, प्यारे विद्यार्थियों, 1375 जो विक्रमी थी, वो जो अवधि थी, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने उनको वीरगाथा काल नाम है वो दिया था। तो इस अवधि में जितना भी साहित्य रचा गया, जितना भी जो भी कवि हुए थे उन्होंने जो भी साहित्य रचा उसमें अधिकांशतया वीरता और शौर्य का ही प्राबल्य रहा, यानी प्रबलता रही, अधिकता रही। तो इस समय की जो अवधि थी और 1050 से लेकर 1375 तक का जो विक्रमी तक जो समय था, इस अवधि में अधिकतर जो रचनाएं थी वो वीरता प्रधान रचना थी। तो इसमें वीरता की और शौर्य का प्राबल्य था, प्रमुखता थी। और इस समय श्रृंगार का तो गौण ही श्रृंगार है वो गौण ही रहा, यानी श्रृंगार रस से परिपूर्ण रचनाएं बहुत ही कम थी, या यूं समझ ले गौण ही रहा। देखिए, केवल ज्यादातर रचनाएं वीरता और शौर्य का भाव इसमें था। आचार्य शुक्ल जी ने 12 पुस्तकों का, हमने विगत वीडियो में भी पढ़ा था कि 12 पुस्तकों को आधार मान करके उन्होंने वीर गाथा काल नामकरण दिया था। तो इनकी 12 पुस्तकों यानी ग्रंथों को प्रामाणिक मान करके ये निर्धारित किया गया कि इस काल की प्रमुख काव्य प्रवृत्ति वीर रस की है, यानी वीरता से ओतप्रोत रचना हम कह सकते हैं। तो आचार्य शुक्ल जी ने 12 ग्रंथों का आधार लिया और उन प्रामाणिक मान करके, उन्हीं को प्रामाणिक मानकर शुक्ल जी ने निर्धारित किया, ये बताया कि इस काल की जो प्रमुख काव्य प्रवृत्ति थी वो वीर रस की थी, यानी वीरता से ओतप्रोत थी, वीर रस की इसमें थी। अर्थात यूं कह सकते हैं कि वीरता के वर्णन की है, यानी इन रचनाओं में वीरता का वर्णन अधिक किया गया है। तो इसलिए वीरता से ओतप्रोत ये रचनाएं होने के कारण इसका नाम इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया। तो इसी आधार पर प्यारे विद्यार्थियों, इन्होंने यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल का नाम वीर गाथा काल है वो रखा। तो आशा करता हूँ वीर गाथा काल नाम आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों दिया, क्योंकि उन्होंने 12 ग्रंथों का आधार माना और ये इनमें जो काव्य प्रवृत्ति थी वो वीरता की थी, इसीलिए इसका नाम वीर गाथा काल नाम दिया। आगे देखिए, इससे सामान्य अभिप्राय यही निकलता है, इससे सामान्य अर्थ यही निकलता है कि इस काल में अधिकांशतः ऐसे काव्यों की रचनाएं हुई है, यानी इस काल में अधिकतर ऐसे काव्यों की रचनाएं हुई है जिनमें कवियों ने अपने आश्रयदाताओं कि वीरता की गाथा का बढ़ा चढ़ा करके आलंकारिक वर्णन किया। महत्वपूर्ण बात यह है यहाँ पर कि इससे तात्पर्य यह निकलता है कि इस काल में अधिकांशतः ऐसे काव्यों की रचना हुई प्यारे विद्यार्थियों जिनमें कवियों ने अपने जो आश्रयदाता जो राजा थे, जिनके वो दरबार में रहा करते थे, इन आश्रयदाताओं की वीरता की गाथा का बढ़ा चढ़ा करके आलंकारिक वर्णन वो किया करते थे। तो वीरता का वर्णन, उन राजा महाराजाओं की वीरता का वर्णन वो आलंकारिक ढंग से किया इन्होंने। और इन पुस्तकों में देखिए, खुमाण रासो है, विजयपाल रासो है, परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो, जयमयंक जसचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश, बिसलदेव रासो, विद्यापति की कीर्तिलता, कीर्तिपता का पदावली, जो रचनाएं थी इन रचनाओं में इसी प्रकार की वीरता के पद है वो देखने को मिलते हैं। और इसी आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल नाम है वो दिया। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिए, वीर गाथा काल की समीक्षा हम करते हैं आज। वीर गाथा काल के नाम की समीक्षा, देखो, आधुनिकतम जो शोध हुए हैं, अनुसंधान हुए हैं, उनसे वीर गाथा काल के नाम की महत्ता समाप्त हो गई है। आज के समय जो भी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो जानकारी या शोध जो जुटाए हैं, शोध किए हैं और जो जानकारियां जुटाई है, जो आधुनिकतम है यानी एकदम से नए हैं, ऐसे आधुनिकतम अनुसंधान से वीर गाथा काल का जो नाम है वो उसकी महत्ता समाप्त सी हो गई है। देखिए, इनका ये जो एक तरह से खंडन हुआ, शुक्ल जी ने इस नामकरण यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल नाम दिया, तो
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस नामकरण के समर्थन में जिन पुस्तकों का हवाला दिया, जिनका प्रमाण इन्होंने 12 पुस्तकों को प्रमाण मान करके इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्यारे विद्यार्थियों इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया। तो इस जिन पुस्तकों का हवाला दिया उनमें से अधिकतर जो शोध हुए, अनुसंधान हुए, उसमें अधिकतर जो रचनाएं वो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने 12 रचनाएं दी, तो उनमें से अधिकतर रचनाएं तो एक तो है अप्रामाणिक है, कई रचनाएं तो अप्रामाणिक है, पता ही नहीं है प्रामाणिक नहीं है, अप्रामाणिक है। दूसरा परवर्तीकालीन है, यानी ये जो 1375 विक्रम संवत है उससे ज़्यादा की आती है, यानी ये 1400-1500 तक चली जाती है, और संदिग्ध भी है, सही है कि इस भाषा की है कि नहीं, आप भ्रंश की है कि ये पता नहीं चलता, हिंदी की है का भ्रंश की है पता नहीं चलता। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों वीर गाथा काल के नाम की समीक्षा में हम देख सकते हैं कि शुक्ल जी ने इस नाम के समर्थन के पीछे, यानी वीर गाथा नामकरण करने के पीछे जिन पुस्तकों का हवाला दिया, जिन पुस्तकों का प्रमाण दिया, उनमें अधिकतर रचनाएं अप्रामाणिक है, परवर्तीकालीन है, यानी उसके समय का जो अवधि है वो 1375 से बाद की, यानी 1050 से 1375 तक के जो समय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल का स्वीकार करते हैं। तो ये जो अप्रामाणिक या परवर्तीकालीन या संदिग्ध होने के कारण ये वीरगाथा काल नाम सार्थक नहीं प्रतीत होता, ठीक है। जैसे खुमान रासो है वो 13वीं शताब्दी की रचना सिद्ध हो चुकी है, तो खुमान रासो की जो रचना है वो 13वीं शताब्दी के नवीनतम जो शोध है उससे पता चलता है कि खुमान रासो जो ग्रंथ है वो दलपति विजय का ये ग्रंथ है, तो ये इसका जो समय है वो 13वीं शताब्दी तक जाता है, जबकि ये है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसको 12वीं शताब्दी का ही ग्रंथ बता रहे हैं, यानी 1375 विक्रमी का मतलब 20वीं सन में देखा तो 12वीं शताब्दी का हो गया। तो इस प्रकार से ये रचना 13वीं शताब्दी की मानी जाती है, ये सिद्ध हो चुकी है, तो इसलिए ये बात वीरगाथा काल का हम इसको वीरगाथा काल की रचना हम नहीं मान सकते। इसी प्रकार से देखो बिसलदेव जो रासो है, बिसलदेव रासो ये एक प्रेम परक श्रृंगारिक रचना है, ठीक है, तो ये भी एक प्रेम परक श्रृंगारिक रचना होने के कारण इसको वीर गाथा काल के श्रेणी में हम नहीं रख सकते, इसमें श्रृंगारिक भावना या श्रृंगारिक श्रृंगार रस की रचना है ये, तो इस प्रकार से ये वीर रस की रचना न होने के कारण ये बिसल देव रस है वो वीर गाथा काल की श्रेणी में नहीं आती। इसकी प्रवृत्ति देखें तो वीर गाथात्मक नहीं है, अगर इसकी प्रवृत्ति विशेषताओं की बात करें तो बिसलदेव रासो एक श्रृंगारिक रचना है, प्रेम परक श्रृंगारिक रचना है, और इस कारण से इसकी जो प्रवृत्ति है वो वीर गाथात्मक नहीं है अपितु श्रृंगारिक है, तो इसीलिए ये रचना इसमें ठीक नहीं बैठती वीर गाथा काल में। आगे देखिए डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया जी है विद्वान समीक्षक आलोचक, इन्होंने इसको 15वीं शताब्दी जो है सिद्ध हो चुकी है, यानी इन्होंने इस रचना को मोतीलाल मेनारिया ने बिसलदेव रासो को 15वीं शताब्दी की रचना मानी है, ये सिद्ध हो चुकी है, तो इसलिए यह रचना बिसलदेव रासो की रचना को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी वीरगाथा काल की रचना बताते हैं तो ये यहाँ पर गलत प्रतीत हो रही है, सही नहीं है, उचित नहीं है, तो इस प्रकार से ये भी बात यहाँ पर खंडित होती है। हमीर रासो अगर रासो साहित्य अगर हम माने कि वीरगाथात्मक है तो हमीर रासो में हमीर जो शब्द है वो आपत्तिजनक है और संदेहास्पद है, यानी संदेह करने योग्य है, आपत्तिजनक है, क्यों है, हमीर रासो में जो हमीर नाम दिया गया है उससे इस शब्द के भीतर आपत्ति है या संदेहास्पद स्थिति इसकी इस शब्द के लिए है, क्यों, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों हमीर जो शब्द है वो किसी राजा विशेष का नाम न होकर के उस राज पद का विशेषण था, ये नवीनतम शोधों से पता चलता है कि हमीर राजा न होकर के हमीर एक राज पद का विशेषण था, एक पदवी थी जो कि उस युग के सभी राजाओं के लिए किया जाता था, यानी उस समय के जो आदिकाल के उस समय का जो राजा थे तो उस समय के राजाओं के लिए ये राज पद का विशेषण था हमीर, तो ये किसी भी राजा के उस समय के राजाओं के लिए हमीर शब्द वो आगे जुड़ता था या हमीर शब्द का प्रयोग वो करते थे, तो इस प्रकार से ये भी एक संदेहास्पद स्थिति है कि आपत्तिजनक स्थिति है, आपत्तिजनक ये बात है कि यहाँ हमीर शब्द वो राजा के लिए किसी राजा के लिए न होकर के हमीर शब्द वो राज पद का विशेषण है जो उस समय के राजाओं के लिए किया जाता था, ठीक है प्यारे विद्यार्थी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जयचंद प्रकाश ग्रंथ
जो है एक नोटिस मात्री ग्रंथ है। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भी इस जयचंद्र प्रकाश के बारे में ज़्यादा नहीं लिखा, क्योंकि ये राठौड़ारी ख्यात में इसका उल्लेख मिलता है। तो जयचंद्र प्रकाश ग्रंथ एक नोटिस मात्र ग्रंथ है। स्वयं शुक्ल जी ने शायद इसके बारे में केवल सुन ही रखा था, केवल सुन करके ही इसको आधार मान लिया, प्रमाण मान लिया, जो कि सही नहीं, कहा सही इसको नहीं मान सकते। तो इसीलिए इसकी मूल प्रति तो मिली नहीं है, केवल राठौड़ारी ख्यात में इसके बारे में कुछ जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से ये भी जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इसका आधार मानते हैं इन 12 ग्रंथों में, तो ये भी उचित नहीं बैठता, तो ये बात भी यहाँ पर स्वीकार नहीं होती। इस प्रकार वीर गाथा काल नाम हमारे साहित्य के आदिकालीन स्वरूप को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इन बातों से कि जो वीर गाथा काल का जो नामकरण है वो हमारे साहित्य यानी हिंदी साहित्य के आदिकालीन स्वरूप में को सही प्रकार से व्यक्त नहीं कर पाता। फिर भी हम इतना अवश्य मान सकते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो वीर गाथा काल नाम दिया तो वह आदिकाल का एक आधार स्तंभ जरूर है, एक व्यवस्थित ढांचा जरूर उन्होंने खड़ा कर दिया। इसके लिए हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के शुक्रगुजार हैं, या परवर्ती आचार्यों के लिए, परवर्ती जो विद्वान हैं उनके लिए एक आधार स्तंभ बन गया था, तो एक नींव का पत्थर साबित हुआ है जरूर। इसके लिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी जो है इसमें प्रशंसनीय है। तो इस प्रकार से ये जो नाम है वीर गाथा काल नाम, तो ये ठीक प्रकार से व्यक्त नहीं हो पाता, इसके लिए आदिकाल ही नाम उपयुक्त बैठता है। तो ये कुछ समीक्षा हुई है आदिकाल के बारे में, वीर गाथा काल से संबंधित जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया, तो ये प्यारे विद्यार्थियों आपको समझ में आ गया होगा। मुख्य बात आपको ये रखनी है ध्यान में कि एक तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया, आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया, राहुल शंकरते जी सिद्ध सामंत काल नाम दिया, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल नाम दिया, गणपति चंद्र जी ने प्रारंभिक काल नाम दिया, तो राम कुमार जी ने वर्मा जी ने इनका नाम चारण काल नाम दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में और वीर गाथा काल से संबंधित जो इनका संबंध क्या है, तो शुक्ल जी ने इसका नाम वीर गाथा काल रखा, और इस समय वीरता का शौर्य का प्राबल्य था 1050 से 1375 की जो भी साहित्य रचना हुई, तो इसमें वीरता और शौर्य का प्राबल्य था, प्रधानता थी, इसीलिए ये इसको यहाँ पर वीर गाथा काल नाम दिया। और जिन 12 पुस्तकों को प्रमाणिक मान करके शुक्ल जी ने इसको निर्धारित किया, तो वह काव्य प्रवृत्ति उनकी वीर रस की थी और वीरता का वर्णन ज़्यादा किया था, इसीलिए इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य शुक्ल जी ने। और इससे अर्थ यही निकल सकता है, यही हम पता कर सकते हैं कि भाई कवियों जो कवि उस समय के थे वो आश्रयदाताओं की वीरता की गाथा का बढ़ा चढ़ा करके वो वर्णन करते थे, और इस कारण से वो वीर गाथात्मक हम कह सकते हैं। और जैसे कुमार राशो, विजय पा राशो, परमार राशो, बिसल देव राशो, विद्यापति कीर्ति लता कीर्ति पता का, पृथ्वीराज राशो, जयमंग जयचंद्रिका, जयचंद्र प्रकाश इत्यादि जो ग्रंथ है वो वीर गाथात्मक है, वीरता का बखान इन ग्रंथों में किया गया है, वो राजा महाराजों की वीरता का चित्रण किया गया है। तो इस प्रकार से इसका नाम वीर गाथा काल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। और वीर गाथा काल नाम की समीक्षा के रूप में अगर बात करें तो आधुनिक जो अनुसंधान हुए हैं तो उसमें वीर गाथा काल की एक तरह से महत्ता समाप्त सी हो जाती है, क्योंकि शुक्ल जी ने जिन पुस्तकों का हवाला दिया, प्रमाण दिया, वो अधिकतर अप्रामाणिक है और प्रवर्ती है, प्रवर्तीकालीन है, यानी उसके बाद के समय की निर्धारण जो किया उसके बाद की है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों ये संदिग्ध भी है, कई रचना संदिग्ध भी कह सकते हैं। कुमार रासों की जो रचना है वो 13वीं शताब्दी के बाद की जाती है, इसी प्रकार से मोतीलाल मेनारिया बिसलदेव रासो को 15वीं शताब्दी की रचना मानते हैं और ये एक श्रृंगारिक रचना है, तो इस प्रकार से उसकी प्रवृत्ति वीरगाथात्मक है ही नहीं, तो ये बात यहाँ पर खंडित होती है। और हमीर रासो के बारे में हमीर जो शब्द है वो आपत्तिजनक है, संदेहास्पद है, क्योंकि हमीर किसी राजा का नाम न होकर के कोई राजपद की पदवी थी या विशेषण था, उस समय कई राजा इसका उपयोग करते थे, यानी अपने नाम के आगे हमीर शब्द जोड़ते थे, तो इस प्रकार से ये भी एक तरह से आपत्तिजनक संदेहास्पद स्थिति है। जयचंद्र प्रकाश की बात करें तो वो एक नोटिस मात्र ग्रंथ है और शायद इसका नाम शुक्ल जी ने केवल सुन करके ही इसको प्रमाण मान लिया, तो ये भी उचित नहीं कहा जा सकता। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि वीर गाथा काल है वो नाम हमारे साहित्य में आदिकालीन स्वरूप को ठीक प्रकार से व्याख्या वो नहीं कर सकता, या आदिकाल के नामकरण की ठीक से जो उस भाव को या सही प्रकार से उसको व्यक्त नहीं कर पाता। फिर भी हम शुक्ल जी के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये वीर गाथा काल का नाम देकर के व्यवस्थित ढांचा जरूर खड़ा कर दिया,
और जिससे आने वाले जो विद्वान थे, प्रवर्ती जो विद्वान थे, उनको एक आधार मिल गया। तो एक आदिकाल के लिए एक नींव का काम है, वो नींव के पत्थर की तरह वो काम वो इनका वीर गाथा काल नामकरण है वो किया। तो इस प्रकार से आचार्य शुक्ल जी का बहुत हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको ठीक प्रकार समझ में आ गया होगा। और भी जो विद्वान हैं उनके समीक्षा हम आगे के वीडियो में हम देखेंगे। यहाँ तक आपको ठीक से समझ में आ गया होगा तो प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक प्रकार से एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। हालांकि बहुत सारा मैंने लिख दिया है तो थोड़ा ठीक प्रकार से इसको पढ़े और प्यारे विद्यार्थियों इसको ठीक प्रकार से पढ़े, नोट्स बनाए, उसको याद भी करें। बहुत ही महत्वपूर्ण है BA फर्स्ट ईयर के लिए भी और BA थर्ड ईयर के लिए भी, दोनों ही कक्षाओं में ये महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। और आगे के एग्जामों में जो कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम होते हैं, टीचर जो एग्ज़ाम होते हैं, इसके साथ साथ नेट का जो हिंदी साहित्य का एग्ज़ाम हो, हिंदी का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण सामग्री है। तो प्यारे विद्यार्थी इसको ठीक प्रकार से पढ़िए। हिंदी के विद्यार्थी है तो ये नींव इसको कह सकते हैं हम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको ठीक प्रकार से तैयार करें, नोट्स बनाएं, इसको याद करें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।